नमस्कार, आप सब देख रहे हैं बिजनेस रेमेडीज। मैं हूं हर्षदा। पाम तेल कीमतों में भारी तेजी से इजाफा हो रहा है। तेल आधारित साबुन उद्योग पिछड़ा, कब ध्यान देगी सरकार? कई फैक्ट्रियां बंद या बंद होने की कागार पर नजर आ रही हैं। हजारों लोग हुए बेरोजगार। जी हां, पिछले एक साल के दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में पाम तेल की कीमतें बढ़ने से प्रदेश के तेल आधारित साबुन उद्योग के प्रमुख रॉ मटेरियल पाम फैक्ट्री ऑयल में भारी तेजी दर्ज की गई है। और अब नौबत यहां तक आ गई है कि प्रदेश की कई फैक्ट्रियां बंद हो गई, यह होने की कगार पर है। हजारों लोग बेरोजगार हो गए हैं। जानिए क्यों और कितनी बड़ी पाम तेल की कीमतें। MCX पर मंथली चार्ट के अनुसार वर्ष 2018 में 2020 तक पाम तेल की कीमतें 400 रुपए से 650 रुपए प्रति 10 किलो के दायरे में कारोबार कर रही थी। अचानक अप्रैल 2020 के बाद इसकी कीमतों में भारी बढ़त आना शुरू हुई और इसकी कीमतें तकरीबन 1250 रुपए प्रति 10 किलो की कीमतें को पार कर गई। बता दें कि वर्तमान में ये 1120 रुपए के आसपास कारोबार कर रही है। गौरतलब है कि मलेशिया और इंडोनेशिया पाम तेल के प्रमुख उत्पादक देश हैं और पाम तेल आयातक देशों को इन पर निर्भर रहना पड़ता है। पाम तेल न सिर्फ साबुन बल्कि वर्तमान में कई खाद्य सामग्रियों जैसे बेकरी उत्पाद, चॉकलेट्स, नमकीन इत्यादि में वृहद स्तर पर काम आ रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार मलेशिया और इंडोनेशिया में बायोडीजल की अनिवार्य किए जाने से पाम तेल की कीमतों में तेजी आई है। वहीं अमेरिका में बायोडीजल और चीन की मांग से सोयाबीन ऑयल में तेजी के चलते भी पाम तेल की कीमतें बढ़ी हैं। कमोडिटी विशेषज्ञों के अनुसार मौसम परिवर्तन का असर सभी प्रकार के ऑयल उत्पादन पर पड़ा है और पाम उत्पादित क्षेत्रों में लेबर की कमी से भी उत्पादन प्रभावित हुआ है। हाल ही में भारत सरकार ने 30 जून को पाम ऑयल के आधार आयात शुल्क में कमी की थी, जिससे पाम तेल के आयात में तेजी दर्ज की गई। बता दें कि रिफाइंड पाम ऑयल के आयात पर प्रतिबंध भी 31 दिसंबर तक के लिए स्थगित किए हैं, लेकिन पाम तेल की कीमतें कुछ गिरने के बाद फिर से बढ़ने लगी हैं और आयात में उल्लेखनीय तेजी देखी जा रही है। विशेषज्ञों का सभी प्रकार के तेलों में तेजी बने रहने का अंदेशा जता रहे हैं। प्रदेश के साबुन उद्योग पर नकारात्मक प्रभाव। प्रदेश में छोटे बड़े स्तर पर करीब 1500 इकाइयों में तेल आधारित साबुन निर्माण का कार्य हो रहा है और पाम फैक्ट्री ऑयल की तेजी से करीब 700 निर्माण इकाइयों के बंद होने का अंदेशा फेडरेशन ऑफ राजस्थान ट्रेड एंड इंडस्ट्री ने जताया है। संस्था के अनुसार इससे 25,000 लोग बेरोजगार हो चुके हैं और करीब 150 लाख करोड़ रुपए के कारोबार का नुकसान हुआ है। प्रदेश में सिंथेटिक साबुन करीब 50 रुपए प्रति किलो की कीमत पर बिक रहा है, जबकि तेल आधारित साबुन करीब 70 रुपए प्रति किलो की कीमतों पर बिक रहा है। पाम तेल के कारण तेल आधारित साबुन की लागत ही 70 से 80 रुपए प्रति किलो आ रही है। लागत से कम कीमतों पर बिकने के कारण तेल आधारित साबुन निर्माण उद्योग सिंथेटिक साबुन निर्माण उद्योग से प्रतिस्पर्धा में पिछड़ रहा है। आपको बताते चलते हैं कि इंडस्ट्री पर पड़ रही है डबल टैक्स की मार। वर्तमान में पाम ऑयल पर इंपोर्ट ड्यूटी लग रही है और तेल आधारित साबुन पर भी 18% GST लग रहा है। मुश्किल समय में सरकार एक कर को शून्य करके तेल आधारित उद्योगों को बचा सकती है। हाल ही में सरकार ने पाम तेल पर इंपोर्ट ड्यूटी कम भी की थी, लेकिन अभी पाम तेल पर इंपोर्ट ड्यूटी काफी अधिक है। तेल आधारित साबुन को एग्रो उत्पाद मानना चाहिए क्योंकि इसमें 55 से 70% तक तेल का इस्तेमाल होता है। जयपुर आधारित कंपनी महाराजा सोप उद्योग समूह के प्रबंध निर्देशक जगदीश सोमानी का मानना है कि पाम तेल की कीमतें एक वर्ष में करीब 3 गुना तक बढ़ गई हैं। तेल आधारित साबुन निर्माण में पाम तेल की हिस्सेदारी करीब 55 से 60% होती है। साबुन की लागत में करीब 16 रुपए से ज्यादा की वृद्धि हो चुकी है, जबकि कंपनियां ग्राहकों को सिर्फ 8 रुपए प्रति किलो की कीमतें ही पास ऑन कर पाई है। सरकार को तेल आधारित उद्योग को बचाने के लिए प्रयास करने चाहिए, क्योंकि इस उद्योग में वही संख्या में लोगों को भी रोजगार मिल रहा है। नसीराबाद आधारित कंपनी GRTM इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड के निर्देशक एवं चंद्रप्रकाश साबुन के निर्माता गोविंद नारायण जिंदल ने बताया कि पाम तेल में एक तरफा तेजी आई है और इसकी कीमतों पर कोई लगाम नहीं है। वर्तमान में प्रदेश का साबुन उद्योग गंभीर संकट के दौर से गुजर रहा है, जिस अनुपात में रॉ मटेरियल की कीमतें बढ़ी हैं, उस अनुपात में ऑयल सॉप की कीमतें नहीं बढ़ पाई हैं। ऐसा ही रहा तो ग्राहक सदा के लिए ऑयल
सोप के अन्य विकल्पों को अपना लेंगे। ऑयल सोप इको फ्रेंडली होने के साथ हाथों के लिए भी सुरक्षित होता है। ये एग्रो आधारित उत्पाद है, इसलिए सरकार को इस पर लग रही 18% जीएसटी को कम करना चाहिए या फिर पाम तेल पर आयात शुल्क को शून्य करना चाहिए। वर्तमान में सरकार को तेल आधारित साबुन निर्माता उद्योगों को बचाने पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इंडस्ट्री से जुड़ी खबरों के लिए लगातार बने रहिए बिजनेस रेमेडीज के यूट्यूब चैनल पर। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।